वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। हम लोग एनर्जाइजर कैप्सूल की तरफ चल रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो सारे पोर्शन हम लोग ने कवर कर लिए। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, एनर्जाइजर कैप्सूल की तरफ चलते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे और इसको जो है हम लोगों को डिस्कस करना होगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरह के और बन सकते हैं जो हम लोग ने किए उसके अलावा। तो और भी वैरायटी इसमें रेंज आपको मिलेगी और इसके बेसिस पर हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, जैसे कह रहा है एक त्रिभुज के कोण 2:5:3 के अनुपात में है, न्यूनतम कोण का मान कितना है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो न्यूनतम कोण है उसका रेशियो कितना है, दैट इज 2, इसलिए मिनिमम एंगल अगर आपको निकालना है तो मिनिमम एंगल या जो न्यूनतम कोण है ये हो जाएगा रेशियो 2 अपॉन टोटल रेशियो 10 इंटू टोटल एंगल, क्योंकि रेडियन में दिया है इसलिए पाई। तो 2 5 टाइम्स कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा पाई बाय 5। तो मिनिमम एंगल क्या, लोएस्ट एंगल इसको लिखें, स्मॉलेस्ट एंगल बेहतर होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल का जो मान है वो कितना हो गया, पाई बाय 5, दैट इज डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को बस ये डायरेक्ट फॉर्म में निकालना है। बड़ा क्वेश्चन, बड़ा अगर अनुपात बड़ा कोण कहता है तो सबसे बड़े कोण की बात करता है तो 5 अनुपात ले लेंगे, तो 5 अपॉन टोटल रेशियो 10 इंटू पाई, तो वो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, जो हम लोग क्वेश्चन यहां पर देखते हैं इसमें जो वैल्यू निकलती है वो वैल्यू आप पहले भी निकाल चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ लर्निंग बाकी रहती है बस। तो अगर आप जो है आपके इस तरह के जो आपका पोर्शन है इसको लर्न कर लें, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद फिर शॉर्ट ट्रिक से इसको निकालेंगे कि कैसे निकलेगा या किस तरह से निकलेगा। तो देखिए पहले हम इसको इलैबोरेट फॉर्म में समझा दें आपको कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन किस तरह से जो है आपके बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, इलैबोरेट फॉर्म में जैसा हम समझाएंगे वैसा आपको सोल्यूशन नहीं करना है, सोल्यूशन शॉर्ट ट्रिक पर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो ट्रिकी अप्रोच पर होते हैं और वो लर्नड होते हैं, इसका मतलब आपको याद होते हैं, देख करके ही आप बता देंगे इसका आंसर ये है। तो इस तरह से आपको लर्न करना होगा, निकालना नहीं होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकाला जाता है, इसको देख लें। सपोज कर लिए एंगल 1, 2, 3, 4, 5, ये बाहर वाले एंगल्स हैं, अंदर वाले एंगल जो हैं 6, 7, 8, 9, 10, ये है। अब इसको आपको निकालना है, अगर सारे एंगल दे दिए होते, ये वाले भी दे दिए होते तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं था, पंचभुज का कोण निकालते हैं फॉर्मूला लगा के 2 × 5 − 4 × 90 पंचभुज के हो जाते और फिर ये 1, 2, 3, 4, 5 ट्रायंगल होते तो हर एक ट्रायंगल पे 180 डिग्री होता है कोण, तो 5 × 180 कर देते, आसानी से कर देते। लेकिन इसमें ये वाले एंगल एक्सक्लूड कर दिए गए, ये नहीं है। तो पहले इन पांच जो कोण हैं उनका मान अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो √6 + √7 + √8 + √9 + √10 इसका मान कितना आएगा, तो 2 × 5 − 4 × 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 − 4, दैट इज 6 × 90, 540 डिग्री। अब लर्न कर लीजिए कि स्टार के केस में, स्टार का क्वेश्चन आएगा, स्टार के केस में अंदर जो वैल्यू होती है वो 540 डिग्री होगी, पेंटागन, पेंटागन के जो है पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है आपके जो है 540।
ये क्लियर हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन के लिए तरीका क्या होगा, पहले एंगल वन उठाइए, एंगल वन से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो एंगल वन से ये बन रहा है एक त्रिभुज 194, 194, एंगल वन एंगल नाइन एंगल फोर, फिर एंगल 173, 173, तो वन से दो दो ट्रायंगल बने, टू से दो ट्रायंगल बनेंगे 285, 285, और टू से एक और बना 264, 264, थ्री से देखिए ट्रायंगल जो बना, थ्री से 315, 315, और 371, ये एक ट्रायंगल है 371, फोर से देखिए दो ट्रायंगल बनेगा, फोर ये कॉर्नर ले लीजिए, इससे एक ट्रायंगल आपका बना 462, 462, और एक ट्रायंगल बना 426, 491, 491, फाइव से देखिए ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो 528, 528, और फाइव से 528 बना और 513, 513, वन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं, टू से दो, थ्री से दो, फोर से दो, फाइव से दो, ये बन रहे हैं। अब इसमें से कुछ कॉमन है, देखिए जैसे 194, 194 हटा दीजिए इसको, क्योंकि एक ही ट्रायंगल को दो बार लिख दिया गया है, एंगल वन के रेस्पेक्ट में भी लिख दिया गया है इसमें भी। अब देखिए 173 रिपीट ना होना पाए, तो 173 ये भी है, ये हट जाएगा, इस एक ही बार लेंगे ना एक ट्रायंगल को। 285, 285 ये भी है, ये हट जाएगा। 264, 264 ये हट जाएगा, तो 315, 315 ये हट जाएगा। इसका मतलब टोटल एंगल्स अगर हम इनको ऐड करें तो एंगल वन दो बार आया, एंगल टू दो बार आया, एंगल थ्री दो बार आया, एंगल फोर दो बार आया, और एंगल फाइव जो है दो बार आया, ये आपकी वैल्यू आ रही है। और सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक एक बार आएगा, इसलिए इनको अगर हम अब ये हट गए, इनको अगर हम ऐड कर दें तो आप देखेंगे दो बार वन आया है, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, देख रहे हैं ये दो दो बार आए हैं, और सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट, एंगल नाइन, एंगल टेन, ये एक एक बार आए हैं, और इन सब का टोटल सम कितना हुआ, तो ये पांच ट्रायंगल्स हैं, हर एक ट्रायंगल 1 2 3 4 5, हर एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, तो पांच ट्रायंगल्स का टोटल योग कितना हो जाएगा 900, ये 900, तो इसका टोटल सम क्या हो गया 900। तो एंगल वन से एंगल फाइव तक दो बार अगर हम जोड़ें, और फिर एंगल सिक्स से एंगल टेन तक अगर हम जोड़ें, तो 900 आ रहा है, और एंगल सिक्स से एंगल टेन तक का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है 540, तो यहां 540 अगर रख दें तो इस तरफ जा करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 2 times 2 एंगल वन, एंगल टू, इस तरह से एंगल फाइव तक, इसका मान कितना हो जाएगा 900 माइनस 540 जो कि हो जाएगा 360, ये 360 डिग्री है, और ये 2 times है, इसलिए एंगल वन से एंगल फाइव तक का योग कितना होगा, तो 360 upon 2, 360 upon 2 180। अब देखिए ये हमने प्रूफ करके आपको दिखाया है, अब आपको कभी दोबारा याद
जो है इसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा जब स्टार बनेगा तो सीधे सीधे क्या है, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि एंगल 1 टू एंगल 5 जो बाहर वाले एंगल होते हैं 1 2 3 4 5 इनका टोटल सम कितना होता है 180। निकालने का तरीका हमने ये बता दिया, लेकिन इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, इसको लर्न करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 ये कितना हो गया 180, और 6 7 8 9 10 ये पंचभुज है, पंचभुज के पेंटागन के टोटल एंगल का योग कितना होता है 540। तो 540 में 180 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 720, तो आंसर 720 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब देखिए हम लोग आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 5 इसका मान कितना है 180 डिग्री ये आएगा। और अंदर जो पंचभुज है तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 इसका टोटल मान कितना है 540। अब ये लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, इसलिए कभी तो अंदर हमेशा 540 बनेगा और बाहर का 180, दोनों को ऐड किया 720, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इसलिए 720 टोटल एंगल का योग हो जाएगा। कि इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली, और इसमें कुछ करना भी नहीं है। आपको सीधे सीधे आपको समझना है कि बाहर वाले जितने भी पांचों कोने हैं उन सब का टोटल सम 180 होता है, और अंदर पंचभुज का टोटल जो है आपके योग कितना होता है 540। इसलिए कुछ भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से देख सकते हैं किसका आंसर क्या होगा। तो 720 इसका आंसर होगा। अब कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली इस पर ध्यान देना है, बाहर वाले बस ये समझ लीजिए बाहर वाले पांचों कोणों का योग 180 होता है 1 से लेके 5 तक, और अंदर वाले पंचभुज का 2n-4 × 90 से n की जगह 5 रखकर निकालिए तो 540 आ जाएगा। तो 180 और 540 मिलकर के टोटल कितने हो जाएंगे 1 से लेकर 10 तक का टोटल सम 720 डिग्री हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह पर आधारित है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये आपके स्टार बनाया गया, अब देखिए ये स्टार क्या है, इस स्टार में अगर देखेंगे तो 6 एंगल्स है बाहर, एंगल 1 एंगल 2 3 4 5 6। तो दो तरह के स्टार बनेंगे, एक 5 कोने वाले एक 6 कोने वाला। तो 5 कोने वाला अभी हम लोग ने किया क्वेश्चन, ये वाला 1 2 3 4 5 5 कोने वाला, ये कैसे बनेगा, बनने का तरीका ये पंचभुज हो जाएगा। तो 5 जो है कोने से स्टार आपके इस तरह से बनेगा। उसके अलावा जैसे 6 कोने का अगर बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, और सिंपली ये बहुत आसान है अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर कितना होता है 360। कैसे, इस ट्रायंगल को अगर आप देखिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 एक त्रिभुज में है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये कितना हो गया 180 डिग्री एक त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज, एक उल्टा त्रिभुज ये बना हुआ है। तो इस त्रिभुज में 3 कोण हैं 2 + 4 + 6 इसका भी योग 180 होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये 180 हो जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो एंगल 1 से लेकर के एंगल 5 तक का टोटल सम जो है ये कितना हो जाएगा 360। तब इसमें याद रखिए कि जब भी कोई पंचभुज, जब भी कोई स्टार बनेगा और स्टार के 6 कोने होंगे तो उनका बाहर के जो एंगल आप लेंगे तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक बार कर दिया फिर अब आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करें फिर। अब यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नए फॉर्म में आपको इस तरह से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन टू थ्री फोर फाइव इनिशियली हमने आपको बताया था
बाहर वाला एक दो तीन चार पाँच, पाँच किसके बराबर होता है? तो 180 डिग्री के बराबर। तो अभी हम लोग ने सॉल्व किया था और प्रूफ भी किया था। तो इसलिए अगर पंचभुज स्टार है और पाँच कोने वाला है तो पाँच कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए बी इज पैरेलल टू ई डी, एंगल ए बी सी 102 डिग्री दिया है, बी सी डी 164 दिया है, सी डी ई का मान आपको निकालना है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। ए बी सी डी ई, पहला कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू ई डी, ए बी इज पैरेलल टू ई डी, ये पैरेलल है। एंगल ए बी सी, ए बी सी 102 डिग्री, 102 डिग्री है। एंगल बी सी डी, बी सी डी ये है एंगल जो कि है 164 डिग्री। एंगल सी डी ई का मान निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, ये कितना होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको क्या कहा था, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस पॉइंट पर एक और पैरेलल लाइन खींच दें जो इन दोनों के पैरेलल हो, ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच दिया। और जब आप पैरेलल लाइन खींच देंगे तो आप देखेंगे ये सी का फॉर्मेशन हो रहा है पैरेलल लाइन में, और सी का जब फॉर्मेशन होता है और ये दोनों एंगल हैं, मान लीजिए एंगल ए एंगल बी, तो एंगल ए प्लस बी सम कोण जो है आपके संपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इसलिए इनका योग कितना होता है 180। तो अगर 102 डिग्री ये है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 102 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 78 डिग्री, ये एंगल हो गया क्योंकि ये पैरेलल है। अब ये 164, ये 78, तो हमें ये एंगल पता चल गया। ये एंगल कैसे है, 164 में से 78 माइनस कर दें तो 164 माइनस 78 दैट इज 6 और 86 डिग्री, तो ये 86 डिग्री आया। अब ये 86 है, ये एंगल आपको निकालना है, ये फिर सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो को इंटीरियर एंगल दोनों का योग कितना है, तो ये थीटा और 86 ये मिल करके 180 बनाएगा, इसलिए थीटा प्लस 86 डिग्री बराबर 180, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 94 डिग्री, ये वैल्यू होगी 94 डिग्री, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 94 हो जाएगी, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर समझ लीजिए अगर क्वेश्चन हम लोग इसको देखें, ए बी सी डी ई, जैसे सपोज के लिए ये है, हमने कहा ये दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है, ये एंगल दिया है और ये एंगल दिया है, ये दिया है 102 डिग्री और ये दिया है 164 डिग्री। जो वैल्यू आपको निकालना है ये वाले एंगल निकालना है, इसको थीटा मान लें, ये वैल्यू निकालना है, क्या करें, हमने आपको बताया सी पॉइंट पर इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींच दी। अब क्या होगा, हमने आपको बताया कि अगर सी का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का टोटल योग मिल करके क्या होता है, 180 डिग्री होता है दोनों एंगल्स का। इसलिए अगर 102 डिग्री ये है तो ये सी बन रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 डिग्री, 78 सॉरी, तो 180 माइनस 102 78। अब ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल 164 है, इसमें 78 माइनस करते हैं तो ये एंगल निकल आएगा, ये एंगल कितना है 164 माइनस 78, तो 14 माइनस 8 दैट इज 6 और 15 माइनस 7 दैट इज 86। अब ये 86 डिग्री आ रहा है, फिर देखिए ये सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 86 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 के है, तो थीटा प्लस 86 बराबर 180 के, को इंटीरियर एंगल,
जैसे थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 86 जो कि 94 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करके एक पैरेलल लाइन खींचेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन करके इसको सी का फॉर्म दे देंगे, तो इससे जो है क्वेश्चन आपके इजीली निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी जो है आपके वैल्यूज को दिया गया है इस तरह से कि दो लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल बताई गई है, ए बी ये है, सी डी ये है। तो कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इसके पैरेलल है। ई एफ और जी ये आपके कोण दिए हैं, यहां पे इस एंगल को कह रहा है 100 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, और जो वैल्यू आपको निकालना है ई एफ जी की, ई एफ जी ये एंगल निकालना है थीटा, तो वैल्यू ई एफ जी कितना होगा ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इसको अगर आप देखें तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। पहली चीज तो ये देखिए सी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल दोनों मिलकर के क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण हो जाएंगे, ये 180 डिग्री टोटल होगा। इसलिए अगर 100 ये है तो 80 ये हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, 80 ये है, 60 ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये निकला है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 100 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, थीटा निकालना है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो थीटा प्लस 30 प्लस 40 बराबर 180 के, थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 के, 30 40 70 हुआ, उधर जाकर के 180 माइनस 70 तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 डिग्री, 110 डिग्री थीटा का मान ई एफ जी होगा, तो डी वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो यहां पर जो भी आपके क्वेश्चन है ये बहुत आसानी से निकल आएंगे और बहुत इजीली जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सम बहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तथा इनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 2:3 है, बहुभुजों में भुजाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है और इसी का अनुपात दिया है 1:2। तो अगर हम पॉलीगन्स में पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 इनकी भुजाएं 1:2 के रेशियो में है, तो इसको अगर हम n मान लें और इसको 2n मान लें, या जो a इसको n क्योंकि फॉर्मूले में होता है तो वहां कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप क्या करिए कि जो भुजाएं हैं साइड्स हैं इनको a मान लीजिए, a ये है 2a ये है। अब कह रहा है प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात, प्रत्येक आंतरिक कोण का रेशियो निकाल लें, इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होगा, n की जगह a रख दें, तो 2 into a minus 4 into 90 upon a, ये प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला हो गया। अब अगर भुजा ये है 2a भुजाएं हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, तो 2 into 2a minus 4 into 90 अपॉन 2a, और इन्हीं दोनों आंतरिक कोणों का अनुपात जो है ये 2:3 दे रहा है।
अब इसी को केवल आपको सॉल्व करना होगा। अब देखिए ए यहां से एलिमिनेट हो गया, 90 डिग्री एलिमिनेट हो जाएगा। 2a-4 है तो इसमें से कॉमन अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 2a-2, और इसमें 4a-4 है तो 4 पूरा बाहर हम निकाल लें तो a-1/2 बराबर 2:3। तो 2 to the 4, 4 यहां भी 4 यहां भी, 4 कॉमन निकाल लिया तो a-1 अंदर बचा, 2 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। अब वैल्यू क्या आ रही है, a-2/a-1 बराबर 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3a-6 बराबर 2a-2 के, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 6-2 दैट इज 4, तो a की वैल्यू 4 आएगी। इसको फिर से देखिए, एक बार देख लें, फिर से निकाल लेते हैं। पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2, बहुभुज 1 और बहुभुज 2, कह रहा है इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, फिर से एक बार हम लोग कर लें। भुजाओं का अनुपात 1:2 का है, तो कितनी भुजाएं हैं, तो अगर ये 5 है तो ये 10 हो जाएंगी, ये 20 है तो ये 40 हो जाएगी, मतलब दुगनी है। तो इसलिए इसका ए भुजा मान लें और इसकी 2a भुजा मान लें। ये क्या माना गया है, साइड्स। इसकी पॉलीगन ए की 1 की ए भुजाएं हैं और इसकी 2a भुजाएं हैं। अब प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो 2 a-4 × 90/a, ये इसकी प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया। इसके साथ इसका आंतरिक कोण तो 2 × 2a, n की जगह क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, −4 × 90/2a, जो कि बराबर क्या हो जाएगा, 2:3 के, ये कह रहा है। अब देखिए इसमें जो जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दिए, 90 के साथ कॉमन, a a के साथ कॉमन, 2a-4 में 2 कॉमन निकाल लें तो a-2 हो जाएगा, और 2 to the 4a-4 में 4 कॉमन निकाल लें तो a-1 अंदर आ जाएगा, /2 बराबर 2:3 के। अब देखिए 2 2 टाइम्स ये कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो a-2/a-1 बराबर 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3a-6 बराबर 2a-2। a को एक तरफ ले आए, वैल्यूज को एक तरफ ले आए, तो 2a अगर इधर ले आए तो 3a-2a दैट इज a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6-2 जो कि 4 होगा। और अगर 4 है तो इसका मतलब कि इसकी भुजा कितनी हो गई, 4 भुजा ये हो गई, और इसकी कितनी हो गई, 8 हो गई, तो एक वैल्यू निकली थी 4 और 8, तो ये जो है आपके वैल्यू हो जाएगी। यही चीज आपके पूछी गई थी, यहां पर एक वैल्यू 4 निकल रही थी, तो 4 और 8 ये आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस बात को सिर्फ आपको समझना है कि कैसे जो है आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा या किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें थोड़ा सा भी अगर आप जो है ध्यान रखें और क्वेश्चन को, फॉर्मूले को अगर ध्यान दें, तो थोड़ा भी अगर आपके जो है फॉर्मूला अगर लगा करके और क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन करेंगे तो कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री हो तो उस सम बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो अब यहां पर आपको यह देखना है कि विकर्ण की संख्या कितनी होगी अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला पहले लगा लें, ईच इंटीरियर एंगल, फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 × 90
अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है, और ये प्रत्येक आंतरिक कोण ही दिया हुआ है 135 डिग्री, इसको 135 डिग्री कर दीजिए, 135 बराबर 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन एन, इससे क्या निकल आएगा, भुजा निकल आएगी, कैलकुलेट कर लेंगे तो 45 थ्री टाइम्स, 45 टू टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 3n बराबर 4n माइनस 8, ये हो गया। अब n को इधर ले आइए तो n बराबर हो जाएगा 8, n की वैल्यू आ गई। तो कैसे हमने सॉल्व किया, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगाया 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n, और इसका मान दिया है 135, 135 45 तीन बार, 45 दो बार, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू n 3n हो गया, 2 इंटू 2n 4n हो गया, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 हो गया, n को उधर ले जाइए, 8 को इधर ले आइए तो n बराबर 8 के आ जाएगा। अब नंबर ऑफ डायगनल्स, विकर्णों की संख्या, फॉर्मूला क्या होता है, n n माइनस 3 बाय 2, ये बताया था हमने आपको कि n n माइनस 3 बाय 2 ये जो है आपके फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 8 है, यहां रख दें तो विकर्ण निकल आएंगे कि कितने विकर्ण होंगे, 8 माइनस 3 बाय 2, तो 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 4 इंटू 5 दैट इज 20, इसलिए विकर्णों की संख्या, डायगनल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इस तरह के बहुभुज में जो टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स होंगे वो कितने होंगे, दैट इज 20। तो पहले हमने प्रत्येक आंतरिक कोण से n का मान निकाला, जब n की वैल्यू निकल आई इसका मतलब साइड निकल आई, अगर हमें ये पता है कि कितने भुजाओं वाला फिगर है, ऑक्टागन है ये जो है अष्टभुज, तो ऑक्टागन में अब कितनी जो है आपके एक तरह से विकर्ण हो सकते हैं डायगनल, उसको कैलकुलेट कर लिया तो 20 विकर्ण आपके हो सकते हैं, तो ये जो है विकर्णों की संख्या हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 8:13:15 हो तो सबसे बड़े एवं सबसे छोटे कोणों का क्या अंतर होगा। तो सबसे बड़ा कोण का अनुपात क्या होगा, 15, और सबसे छोटे कोण का अनुपात कितना होगा, 8। तो बिगेस्ट एंगल हम पहले निकाल लें, कैसे हमने बताया आपको निकालने के लिए, बिगेस्ट एंगल अनुपात 15 है, टोटल रेशियो कितना है इसको देख लीजिए, तो 15 और 13 दैट इज 28, 28 और 8 36, 36 इंटू पाई, तो ये हो गया 15 पाई बाय 36। अब स्मॉलेस्ट एंगल निकाल लीजिए, स्मॉलेस्ट एंगल सबसे छोटा कोण, सबसे छोटे कोण का अनुपात कितना है, 8 बटे टोटल रेशियो 36 पाई, क्योंकि इसी फॉर्म में है तो इसलिए इसको 8 पाई बाय 36 रखा रहने, दोनों का डिफरेंस कह रहा है, अंतर निकालना है आपको, दोनों का डिफरेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 15 पाई बाय 36 माइनस 8 पाई बाय 36, 36 एलसीएम हो जाएगा, और 36 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पाई, दैट इज 7 पाई बाय 36, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो 7 पाई बाय 36 ये वैल्यू होगी। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, बड़ा कोण निकाला, फिर छोटा कोण निकाला, तब दोनों का डिफरेंस निकाला, ये सारी चीज आप तीन स्टेप में नहीं बल्कि एक स्टेप में कर सकते हैं, डायरेक्ट निकालना है तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, अब देखिए डायरेक्ट तरीका देख लीजिए, ये तो हमने आपके समझने के लिए कर दिया, ऐसे करेंगे नहीं हम लोग, कभी भी अगर पूछा जाएगा छोटा कहेगा वो डायरेक्ट निकाल दिए, बड़ा कहेगा तो वो डायरेक्ट निकाल दिए, डिफरेंस कहेगा वो भी डायरेक्ट निकाल दिए, किसी चीज का योग कहेगा तो वो भी डायरेक्ट निकाल दिए, जब डिफरेंस कह रहा है तो हम क्या कहेंगे, 8, 13, 15 वाला सबसे बड़ा है, 8 वाला सबसे छोटा है, डिफरेंस सबसे बड़े और छोटे में कह रहा है, तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो अनुपात का डिफरेंस देख लीजिए पहले, 15 माइनस 8 अपॉन टोटल रेशियो 36
पाई, यही आंसर हो जाएगा 7π/36। तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं करना, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ओरली आप निकाल सकते हैं। तो सीधे सीधे कैसे निकालेंगे, 15 - 8 7 बटे टोटल रेशियो इंटू पाई, अपने आप जो है डिफरेंस निकला है। तो सिर्फ एक लाइन का सोल्यूशन है, देखिए हमें ऊपर अलग अलग नहीं करना कि बड़ा एंगल पहले निकालें फिर छोटा एंगल निकालें फिर जो है आपके आगे निकाल। तो ये कोशिश ये करिए कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्ट निकाल सकें। योग कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग कितना होगा, सम कितना होगा, तो क्या करिए 8 + 15 = 23 upon 36 × π = 23π/36 वही आंसर हो गया। तो इसलिए डायरेक्ट आप निकालने की कोशिश करिए इस तरह के क्वेश्चनों को, रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वैल्यू ए की निकालनी है, ये 30 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, ये एक्स दिया है, ए का मान निकालना है जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लें। ये ए है, ये एक्स है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, यही डायग्राम है। देखिए ए ये है, एक्स ये है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब इसे हम लोग सॉल्व करें, कैसे करेंगे, अब ए का मान एक्स के पदों में निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ए की वैल्यू एक्स के पदों में आपके निकल आएगी। तो एक तरीका ये है, तो अब यहां पे अगर आप देखें इस वैल्यू को कुछ मान लीजिए, यही वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल दीजिए, यही वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल दीजिए, और कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था कि कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए दो ट्रायंगल रहे तो एक ऐसा भुजा मान लीजिए जो दोनों में कॉमन है और हमारे काम की नहीं है, यही कॉमन भुजा है और हमारे काम की भी नहीं है, इसको निकाल दें इस ट्रायंगल से, इसको निकाल दें इस ट्रायंगल से, दोनों को बराबर कर दें, एक वैल्यू एक्स के पदों में अपने आप आ जाएगी। अब देखिए इस ट्रायंगल के हिसाब से ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो होता है क्या होता है साइन, तो साइन 30 लगा दीजिए, तो साइन 30 बराबर एच बाय ए, देख रहे हैं साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 बराबर एच बाय ए, एच की वैल्यू निकाल दिए, एच बराबर हो गया, यहीं पे लिख लीजिए एच बराबर हो गया ए बाय टू, ये पहले ट्रायंगल से हम लोग ने निकाला। अब दूसरा ट्रायंगल देख लीजिए, दूसरे ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसके मतलब साइन 60 की वैल्यू रखें जो कि एच अपॉन एक्स होगा, साइन 60 इज √3/2 बराबर एच बाय एक्स, तो इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3/2 x, ये h की वैल्यू होगी, h से हमें कुछ लेना ही देना नहीं है, h की वैल्यू a के पदों में, h की वैल्यू x के, तो दोनों h की वैल्यू है, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो a बाय टू इक्वल्स टू √3x/2, 2 कैंसिल कर दीजिए, a बराबर √3x के आ जाएगा, और यही आपको निकालना था कि a का मान x के पदों में कितना होगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा a बराबर √3x, तो √3x दैट इज d वाला ऑप्शन, तो a जो है √3x के रिस्पेक्ट में होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, देखिए a है, ये 45 है, ये 60 है, ये x है, इस वैल्यू को आपको निकालना है, फिर वही चीज करें, डायग्राम बना लेते हैं, ए है, इसको एच मान लीजिए जो कॉमन है और हमारे काम की नहीं है, ये 45 डिग्री है और
ए की वैल्यू निकालना है, वो भी एक्स के रेस्पेक्ट में। इसमें भी वही चीज़ करते हैं। तो पहले हम इसको देख लें, इस ट्रायंगल में एच की वैल्यू निकालें। तो परपेंडिकुलर हाइपोटन्यूज है तो साइन 45 लगा दें। साइन 45 बराबर एच बाई ए के, और साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, बराबर एच बाय ए के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एच बराबर आ जाएगा, दैट इज ए बाय रूट टू। ये वैल्यू आई। अब इस ट्रायंगल से देखें तो साइन 60 बराबर एच बाय एक्स के, रूट थ्री बाय टू बराबर एच बाय एक्स के, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो एच बराबर हो जाएगा रूट थ्री बाय टू एक्स। तो एच की वैल्यू ये भी, एच की वैल्यू ये भी, दोनों को बराबर कर दिए। तो ए बाय रूट टू इक्वल्स टू रूट थ्री एक्स बाय टू। ए की वैल्यू निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ए बराबर रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स एक्स बाय टू हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा तो रूट सिक्स एक्स बाय टू। ये आंसर दिया नहीं है, इसका मतलब कुछ कैंसिल किया गया है। तो रूट टू से नीचे, रूट टू से ऊपर कैंसिल अगर हम करें, तो रूट टू से अगर हम ऊपर कैंसिल करें तो ऊपर रूट थ्री बचेगा, और नीचे रूट टू से अगर कैंसिल करेंगे तो रूट टू बचेगा। तो ये आंसर हो सकता है। तो रूट टू से हमने कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे, तो ये आ गया। तो ये आंसर दिया हुआ है, ये है डी वाला। इसलिए रूट थ्री बाय रूट टू, या तो आंसर इस फॉर्म में रखेगा या आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो दोनों ही आंसर हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आंसर बन रहा है या कहाँ पे आंसर जो है फॉर्म होगा। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सम बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या 5 है, ज्ञात कीजिए इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना है। अभी देखिए, जस्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन क्या किया था, क्वेश्चन हम लोग ने ये किया था कि कोण है, और ये कोण जो है आपके कोण दिया था आंतरिक कोण, और हमें डायगनल्स निकालने थे। अब डायगनल्स दे रहा है और आंतरिक कोण पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ डायगनल्स के अगर हम फॉर्मूला देख लें, तो नंबर ऑफ डायगनल्स तो ये हो जाएगा फॉर्मूला एन एन माइनस थ्री बाय टू, और इसी की संख्या 5 दी है, ये 5 है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एन एन माइनस थ्री बराबर 10 के। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सॉल्व करने के लिए हमने सबसे आसान मेथड क्या बताया है, इस तरह क्वेश्चन, इस तरह कभी भी प्रोसीडिंग हो आगे मत बढ़िए, डायरेक्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एन और एन माइनस थ्री में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो ऐसी दो संख्याएं देखिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और डिफरेंस 3 का हो, तो वो क्या होगा, 5 और 2। यहां भी 3 का डिफरेंस, यहां भी 3 का डिफरेंस। बड़ी वाली संख्या को बड़ी संख्या से कंपेयर कर दीजिए, या छोटी वाली को छोटी वाली से कंपेयर कर दीजिए। तो n माइनस थ्री बराबर 2 रखेंगे तो भी n बराबर 5 आएगा, या n बराबर 5 डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से, छोटी संख्या को छोटी संख्या से कंपेयर कर ली, n की वैल्यू आ गई। जब n की वैल्यू आ गई, अब आप प्रत्येक कोण निकाल सकते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कैसे निकालते हैं, दैट इज 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n, ये होता है। और n की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 अपॉन एन, एन की जगह 5 है, 5 18 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 10 माइनस 4 दैट इज 6, 6 इंटू 18, तो 6 इंटू 18 ये हो जाएगा 108 डिग्री। इसलिए प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना हो जाएगा, 108 डिग्री होगा। तो 108 डिग्री है।
108 डिग्री वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सम बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, ज्ञात कीजिए बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और इलैबोरेट कर दिया कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर दे रहा है वो 60 डिग्री है और कह रहा है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। अगर भुजा हमें पता चल जाए एन, तो विकर्ण की संख्या हम लोग निकाल कैसे निकालेंगे, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगा दें 2n-4 × 90/n और प्रत्येक बाह्य कोण 360/n। ये है, इन दोनों का अंतर ही कह रहा है, डिफरेंस जो है वो है 60 डिग्री का। ये अब यहां पे कॉमन अगर हम निकाल लें और इसको कैंसिल कर दें तो 30 डिग्री कॉमन है, इसको हम बाहर कर लें अपॉन एन, तो यहां पे बचेगा 3 × 2n (6n-12) और यहां पर भी अगर 30 कॉमन निकालिए तो यहां बचेगा 12 = 60 डिग्री। अब देखिए 30, 60 में 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, n उधर चला गया तो 6n-24 = 2n के, 2n इधर ले आइए तो हो जाएगा 4n = 24 के, 4 से कैंसिल कर दिए n = 6 के। इसके मतलब कि जो फिगर है वो क्या है, ये हेक्सागन है, तो षडभुज है हेक्सागन, और षडभुज में कितने डायगनल्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ डायगनल्स, क्योंकि विकर्णों की संख्या पूछ रहा है तो नंबर ऑफ डायगनल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है n(n-3)/2। इससे निकालते हैं तो 6 की वैल्यू n की जगह 6 रख दीजिए तो 6 × 6−3/2, 2 3 times कैंसिल कर दीजिए, 3 3 = 9। तो इसलिए जो हेक्सागन होगा, हेक्सागन में कितने डायगनल्स होंगे, 9 डायगनल्स हो जाएंगे। अब देखिए डायगनल्स कैसे होते हैं या किस तरह से अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें इसे, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हेक्सागन अगर बनाया हमने, डायगनल्स हर वो जो है आपके लाइन है जो दो एडजेसेंट पॉइंट को नहीं टच करती, बाकी और सारे पॉइंट्स को टच कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस पॉइंट से कितने डायगनल बनेंगे ये देख लें, यहां इस पॉइंट पे नहीं बनेंगे, इस पॉइंट पे नहीं बनेंगे, बाकी हर जगह डायगनल बनेंगे क्योंकि ये इसके बगल में है, एडजेसेंट है इनको छोड़ करके, तो 1, 2, 3 डायगनल्स ये हुए। अब इस कॉर्नर से देखिए 3 हो चुके हैं इस पॉइंट से, यहां से यहां नहीं बनेगा और यहां नहीं बनेगा, बाकी हर जगह बनेंगे, तो इसलिए 4, 5, 6 हो गए। फिर यहां से यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा इस पॉइंट पे, बाकी हर जगह बनेंगे, 7, 8 पहुंच गए यहां पे। फिर देखिए इस पॉइंट से यहां नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, बाकी हर जगह बनेंगे, 9, बाकी ये बना ही है, ये बना है, 9 पहुंच गए इस पॉइंट, और यहां से तीनों बना ही हुआ है, तो इसलिए 9 जो है एक्सट्रीम हो गया। तो इस तरह से जैसे डायगनल आप बनाएंगे तो डायगनल की संख्या अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम लोग, जो है बना करके जो है आपके देख सकते हैं, बना के भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पंचभुज है, पेंटागन है, पेंटागन में निकालना है,
ये पंचभुज हो गया, पांच भुजा वाला फिगर। अब इसमें मान लीजिए डायग्राम हम निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट से यहां और यहां जो है डायगोनल्स नहीं बन सकता, कहां बनेगा? एक दो, दो डायगोनल यहां से बना, दो होगा। फिर यहां से देखिए, यहां से जो है आपके यहां नहीं बन सकता, यहां नहीं बन सकता, और जगह बना लीजिए, तीन और ये चार, चार हो गए डायगनल सब तक। फिर इस पॉइंट से यहां नहीं बन सकता, यहां नहीं बन सकता, बाकी हर जगह बनाइए, पांच पांच हो गए। फिर इस जगह से इस पॉइंट पे बना ही हुआ है, और यहां से भी बना हुआ है, तो इसके मतलब पांच जो है आपके इसमें पेंटागन हो जाते हैं। तो अब अगर फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो n n माइनस थ्री बाय टू, तो पंचभुज अगर है तो फाइव इंटू फाइव माइनस थ्री बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइव इंटू टू बाय टू, टू टू कैंसिल हो गया, फाइव आ गया आंसर, फाइव आपने बना के भी दिखा दिया। तो इस तरह से जो है हम लोग सोल्यूशन इसका कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वन सी टू, ओ केंद्र के साथ दो संकेंद्री वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। वृत्त सी वन पर एक बिंदु ए से वृत्त सी टू पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं बी सी, तो चतुर्भुज ए बी ओ सी का मान कितना होगा? अब देखिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाए तो क्लियर होगा। कह रहा है दो ट्रायंगल हैं, दो सॉरी सर्कल्स हैं जो संकेंद्री हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहा जाता है? संकेंद्री वृत्त जिसके केंद्र एक ही होते हैं। बाहर वाले का रेडियस 12 है, अंदर वाले का 3 है। अब कह रहा है कोई बाहर वाला सी वन वृत्त से ए पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींची गई, कोई ए बिंदु से वृत्त सी टू पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बी सी पर जाकर के मिलती हैं। दो स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा ये होगी, ये स्पर्श रेखा एक ये होगी, तो एक बी पॉइंट पर है और एक सी पॉइंट पर है। अब केंद्र इसका ओ है, ये कह रहा है। तो अब निकालना क्या है? निकालना जो है ए बी ओ सी का क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया ए बी ओ सी, ए बी ओ सी इसका क्षेत्रफल। देखिए हमने आपको बताया था कि ये और ये सम सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। ये क्या है? ये 90 डिग्री है और रेडियस है छोटे वाले का जो कि 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। और ये क्या है? ये बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या है जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस वैल्यू को निकाल लें तो हाफ बेस इंटू हाइट से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और डबल कर देंगे। तो ए बी लेंथ पहले हम निकाल लें, ए बी लेंथ कैसे निकालेंगे? 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 144 माइनस 9 के, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 135, 135, 15 इंटू 9 होता है, 9 को बाहर निकाल लें तो 3 रूट 15 हो जाएगा। ये इसका मतलब ये लेंथ 3 रूट 15 निकल रही है, ये भी लेंथ 3 रूट 15 निकल रही है, जो कि क्या है? टेंजेंट्स की लेंथ है। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल समान है, बराबर है, क्योंकि देख रहे हैं आप सारी भुजाएं बराबर है। तो चतुर्भुज ए बी ओ सी का जो क्षेत्रफल है वो 2 इंटू त्रिभुज ए बी ओ के क्षेत्रफल से निकाल दीजिए।
तो 2 इंटू, अब ए बी ओ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इसका बेस अगर हम ये ले लेंगे तो हाइट ये हो जाएगी, तो 3 रूट 15 इंटू 3, हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें 2 2 ये कैंसिल हो गया, 3 3 इज 9, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है ए बी ओ सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये जो है आपके एरिया हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं इसका, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो फिर समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी वन सी टू दो संकेंद्री वृत्त हैं, तो ये हुए सी वन ये है, सी टू ये है, दो संकेंद्री वृत्त हैं। फिर कह रहा है उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले सी वन की 12 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है, जो कि हम लोग ने डायग्राम में यहां पर यूज किया, ये छोटे वाले की त्रिज्या हो गई 3 और ये बड़े वाले की त्रिज्या हो गई 12, इस तरह से हम लोग ने यूज किया इसको। फिर ये कह रहा है कि वृत्त C1 पर एक बिंदु A से C2 पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं B और C पर मिलती हैं, तो C1 वृत्त पर, ये C1 वृत्त है, उस पर A कोई बिंदु है, A बिंदु से C2 वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई जो कि B और C पर मिलती हैं, और कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है आपके चतुर्भुज ए बी ओ सी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ए बी ओ सी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया दूसरे का निकाल आएगा, तो ये 3 पता है, ये 12 पता है, ये निकाल लें, पाइथागोरस थ्योरम से आपने ये निकाल लिया, ये निकल आया। अब हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, एक अगर बेस हो गया तो दूसरा अपने आप लंब हो जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट से इसको निकाल लीजिए और इसको डबल कर दीजिए तो ए बी ओ सी, तो चतुर्भुज ए बी ओ सी का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला, 2 इंटू ट्रायंगल ए बी ओ का क्षेत्रफल, इससे आप निकाल सकते हैं 9 रूट 15। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन, बस ध्यान ये रखिएगा, आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसके लिए आसानी से आप उस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट देख करके। पहली चीज ये कि ये इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए था, कौन सा कॉन्सेप्ट हमने लगाया है, हमने आपको बताया था कि पी पॉइंट अगर है और दो स्पर्श रेखाएं अगर होती हैं, तो अब यहां से इसके ऊपर जब हम लंब डालते हैं तो हमने आपको प्रूफ किया था कि ये सर्वांगसम हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, आरएचएस मेथड हमने आपको बताया था, आरएचएस क्या था, राइट एंगल, यहां राइट एंगल, ये राइट एंगल है, हाइपोटन्यूज दोनों का बराबर होता है, हाइपोटन्यूज ये दो है, इसका भी हाइपोटन्यूज ये है 90 डिग्री के सामने, इसका भी हाइपोटन्यूज ये है, कॉमन है, बराबर है, और एक साइड बराबर होती है, कौन सी साइड बराबर होगी, साइड जो है ये आर, दोनों की त्रिज्या है, तो आरएचएस मेथड से हमने इस ट्रायंगल को सर्वांगसम प्रूफ किया था, एक का क्षेत्रफल निकालिए, डबल कर दीजिए तो अपने आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर लगाया है, तो इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को यहां पर निकालते हैं।